नमस्कार, मैं दीति फौजदार। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे सीजनल डिप्रेशन के बारे में। सर्द हवाएं और कड़कती ठंड के साथ ही सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। ये मौसम कई लोगों का पसंदीदा मौसम होता है। ठंड के बावजूद लोग इस मौसम को खूब इंजॉय करते हैं। हालांकि बदलते मौसम के साथ हमारी लाइफस्टाइल भी बदलने लगती है। सर्दियों में हमारे खान पीन से लेकर पहनावे तक कई बदलाव आते हैं। इतना ही नहीं, इस सीजन में काफी हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हमें हो सकती हैं। बदलते मौसम के साथ हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ता है। यही वजह है कि कई लोग सर्दियों में आते सीजनल डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसे विंटर डिप्रेशन या विंटर ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह से लोग अक्सर उदासी, निराश और सुस्ती महसूस करते हैं। अगर आप भी सर्दियों में अक्सर विंटर डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं तो इन टिप्स की मदद से खुद को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। इस मौसम में लोग अक्सर कंबल या रजाई में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा करने से आपको सुस्ती और आलसीपना महसूस होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि शारीरिक और मानसिक रूप से एक्टिव रहने के लिए आप फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन में जरूर बनाएं हिस्सा। इसके साथ ही रूटीन में शामिल करें कुछ अच्छी आदतों के बारे में। अपनी रूटीन में अच्छी आदतों को शामिल करें, जैसे कि अपने सेल्फ केयर के लिए लोगों से बातचीत करें, लोगों के साथ बाहर घूमें और सर्दियों में सीजनल डिप्रेशन से दूरी बनाए रखें। इसके साथ ही ठंड का मौसम अकेले बिताने पर अक्सर लोग उदास और निराश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अकेले बैठने से आप उदास और निराश ज्यादा महसूस करने लगते हैं। तो इसलिए आप बाहर जाएं और बाहर लोगों से मिलिए। इसके साथ ही हम आपको सलाह देंगे कि आप सूरज की रोशनी को जरूर लिए। विटामिन डी आपके लिए काफी अच्छा सोर्स होता है, इसलिए आपको थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए, जिसकी वजह से सेरोटोनिन नामक हॉर्मोन्स आपकी मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके मूड और आपकी चिंता को फ्री कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी फूड आइटम्स को भी सुधारें, जिससे आपको हेल्दी फूड आइटम्स को अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। और अगर आपको इससे भी फायदा नहीं मिल पाता है तो डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह लीजिए। ऐसी और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी मीडिया के साथ।